हमीरपुर शहर को प्लास्टिक मुक्त बनाने के लिए नगर परिषद ने प्रयास तेज कर दिए हैं और इसी के चलते अब शहर को इको फ्रेंडली लिफाफे का इस्तेमाल करने के लिए लोगों को प्रेरित किया जा रहा है। आपको बता दें कि गुजरात से मक्की के पत्तों से बने लिफाफे हमीरपुर पहुंच रहे हैं, जिनका प्रयोग करने से पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं पहुँचेगा क्योंकि ये लिफाफे 180 दिनों में अपने आप ही मिट्टी में मिल जाते हैं। हमीरपुर शहर को प्लास्टिक मुक्त बनाने के लिए नगर परिषद ने प्रयास तेज कर दिए हैं। इसी के चलते अब शहर में इको फ्रेंडली लिफाफे का इस्तेमाल करने के लिए लोगों को प्रेरित किया जा रहा है। आपको बता दें कि गुजरात में मक्की की पत्तों से बने लिफाफे हमीरपुर पहुंच रहे हैं, जिनका प्रयोग करने से पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा क्योंकि ये लिफाफे 180 दिनों में अपने आप ही मिट्टी में मिल जाते हैं। पूरे प्रदेश में प्लास्टिक बैन के चलते प्लास्टिक के लिफाफे प्रदेश में बैन है, लेकिन हमीरपुर शहर में पहुंचे तो बायो डिग्रेडेबल लिफाफे मक्की के पत्तों से बने हुए होते हैं और इनसे पर्यावरण को कोई खतरा नहीं होता है। इन लिफाफों के प्रयोग के लिए शहर के दुकानदारों को प्रेरित किया जा रहा है। वहीं इन लिफाफों की कीमत भी बहुत कम है और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में ये लिफाफे बहुत ही जरूरी हैं। समन्वयक विकास शर्मा ने बताया कि इन इको फ्रेंडली लिफाफों से पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा क्योंकि ये लिफाफे 180 दिनों में अपने आप ही मिट्टी में मिल जाते हैं। इन लिफाफों के प्रयोग के लिए शहर के दुकानदारों को प्रेरित किया जा रहा है। वहीं इन लिफाफों की कीमत भी बहुत कम है और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में ये लिफाफे बहुत ही जरूरी हैं। का शर्मा है, मेरी यहाँ नदौन चौक में शॉप है शर्मा ट्रेडिंग कंपनी के नाम से, शर्मा स्टेशनरी पेंटर के नाम से। हमने ये मार्केट में अभी इंट्रोड्यूस किए हैं, ये कंपोस्ट बैग है, ये कंपोस्ट बैग है, ये इको फ्रेंडली होते हैं, इनसे कोई भी पॉइजन नहीं, इससे मतलब जो आपकी मिट्टी है उसको भी कोई खतरा नहीं, प्लास्टिक होता है वो बर्न होते हैं या फिर कुछ भी होता है तो उससे खतरा रहता है, ये इको फ्रेंडली होते हैं। इनको अलग अलग नाम से लेते हैं, हम कंपोस्ट बैग बोलते हैं इनको। ये 180 दिन में ऑटोमेटिक अपने आप खत्म हो जाते हैं। ये जो बनते हैं ये नेचुरल थिंग से बनते हैं, जैसे आपका ये मक्की का जो कॉर्न रहता है उसके जो बाहर का कवर रहता है उससे बनते हैं ये, तो ये इसमें प्लास्टिक की जीरो क्वांटिटी है, ये इको फ्रेंडली है, 180 दिन में आपका ये पूरा खत्म हो जाएगा। इसकी खास कहाँ से आ रहे लिफाफे? इनको हम सर गुजरात से इम्पोर्ट कर रहे हैं, गुजरात से मंगवा रहे हैं सर। पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाता सर, पर्यावरण को एनवायरमेंट को 0% नहीं है। हम आपको जो आगे गाइडलाइन के लिए आप इसको नेट पे चेक कर सकते हैं कंपोस्ट बैग की, क्या इसमें 0% ये रहता है, इसमें टॉक्सिक कुछ नहीं होता है इसमें, कि आपकी जो मिट्टी है जैसे थोड़े टाइम बाद जैसे आपको टॉक्सिक हो जाएगी, इससे इको फ्रेंडली है, इससे मिट्टी को कोई भी या फिर कोई भी इस एनवायरमेंट को भी कोई खतरा नहीं है।